नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय उस जगह पे मैं मौजूद हूं जो परिवार कल यानी रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के बाद बलिया जनपद पे आया है और यह परिवार जो है पूरे प्रदेश में जो है चर्चाओं में है। आरोप ही कुछ इस तरह के हैं कि एक सपा के बड़े नेता पर जो इन्होंने आरोप लगाया है और वह भी अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया है। आइए उनसे ही जो बात करते हैं और विस्तृत जानकारी लेते हैं कि किस तरह का आरोप है, कितनी इसमें सच्चाई है और क्या मामला था और यहाँ जो है क्यों नहीं उन्हें न्याय मिला कि जो है मुख्यमंत्री तक उन्हें दरबार तक जो है जाना पड़ा। आप जैसे खबरें चल रही है, आप उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिले हैं, क्या समस्या आपकी रही है, क्यों उनसे मिलना पड़ा है? सर, हमारे ही गाँव का एक दबंग आदमी आचार्य शंभुनाथ यादव 25 तारीख को 4 बजे शाम को अपनी बेटी को हमारे घर भेज कर और उसको बाला फुसला कर अपने घर ले गया और अपने ही स्कॉर्पियो गाड़ी से बैठा कर वो कहीं उसको गुम कर दिया। मैंने इसका तहरीर लेकर थाने पर गए, जाकर मुकदमा लिखवाया, लेकिन पुलिस जो है इसमें गहराई से छानबीन नहीं कर रही है, उसको औने पौने करके इधर उधर करके हमको हटा दी। आपका कहना है कि आपकी बेटी को के घर उनकी बेटी आती है आचार्य शंभुनाथ की और वह जो है आपकी बेटी को लेकर के चली जाती है, ये कितने बजे की घटना है? शाम 4 बजे की घटना है और उनकी लड़की 6 महीना से हमारे घर आती जाती थी, हमारे बेटी का ब्रेन वॉश करती थी। वो जो है हमको नीचा दिखाने के लिए हमेशा हमारे चक्कर में पड़े रहते थे, इसलिए कि आमने सामने दोनों आदमी का, हमारा भी दुकान है उनका भी दुकान है। तो कितने बजे वह अपने घर ले गए, आप पुलिस को भी तहरीर दिए, पुलिस से जो है बताया, पुलिस आई थी उस बीच में जब तक वो लोग घर से नहीं गए थे? जी, पुलिस आई थी। वो जब हमारी बेटी उनके घर गई तो अपने दुकान का शटर बंद करने लगे, बंद करने के बाद मैंने देखा कि इनके नियत में कुछ खोटा लग रहा है, तो मैं अपने भतीजे को उनके घर भेजा, तो वो बोले कि नहीं, हमारे घर तो नहीं आई। जब ये सब बात सुने तो हम अपने भतीजे को लेकर थाने पे गए और घर में सबको बोल दिया था कि देखना कि कहीं उसको गाड़ी में बैठा कर भेजे ना, ये सब लोग मतलब चौकन्ने थे। उधर गए और जाकर पुलिस वाले को बोले तो वो भी आए हमारे साथ, आकर जो है मौके पर पहुंचे और बोले कि भाई इनकी लड़की को अपने घर में रखे हो, निकालो। तो बोलता है कि यहाँ वो लड़की आई ही नहीं है। उसके बाद वो सिपाही जी हमको बोले कि नामजद इसके नाम से रिपोर्ट दो, अभी इसको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने नामजद रिपोर्ट देने के लिए थाने पर गया, तब तक घर से घर पे जो है कहीं से स्कॉर्पियो गाड़ी, अपना ही स्कॉर्पियो गाड़ी मंगाया और मंगा के उसमें सपा का झंडा था उसमें बैठाया और कहीं दूर भेज दिया। उसमें उसकी बहू और उसकी बेटी साथ में थी। आपकी लड़की साथ में थी, यह किसने देखा? सब लोग देखा, हमारी वाइफ देखी, हमारी जो है बड़ी भाभी है वो देखी, हमारे परिवार के सारे लोग देखे और लोग भी देखे वो, इसलिए और गाड़ी मतलब निकालते समय अपना द्वारे पर का बत्ती बंद कर दिया था। आपकी लड़की जो है चल करके गाड़ी में बैठी है या उसे जो है टांग करके बैठाया गया? वो तो उसके दरवाजे पर उसके घर के सामने उसका गाड़ी हमेशा खड़ा रहता है, जैसे दरवाजे में से आदमी निकलता है गाड़ी में घुसता है तो मालूम नहीं पड़ता है, वो जब गाड़ी में बैठ जाता है आदमी तो मालूम पड़ता है कि गाड़ी में आदमी बैठ गया है। इस तरह से जो है आप समझ पा रहे हैं कि उसी गाड़ी में आपकी लड़की गई है, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो जाना होगा। जी, मान लीजिए अगर जो हमारी लड़की अगर जो कहीं थोड़ा सा अंधेरा में भी है तो हम जान के पहचान जाएंगे कि हमारी लड़की होगी, इसलिए कि उसको मैं डेली देख रहा हूँ। हाँ, जी। तो उस गाड़ी में आपकी लड़की बैठती है, कोई किसी तरह की बात नहीं करती है, ये आप लोगों को जो है वो बताती नहीं है कि देखिए पापा जो है हमें जो है इस गाड़ी में बैठा करके ले जाया जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों? वो बोली नहीं रही थी, अगर जो बोलेगी तब लोग आदमी जानेगा। और दूसरी बात है, चारों ओर से शीशा लॉक कर दिए थे स्कॉर्पियो गाड़ी से, अंदर से अगर जो कोई बोलता भी है तो आदमी को। कितनी उम्र आपकी लड़की की? हमारी लड़की की उम्र 20 साल से 21 साल के बीच में है। तो बालिग हो गई है लड़की? जी। तो हर चीज की समझ होनी चाहिए। ये समझ तो है, लेकिन आपने कुछ कराया? हाँ, बीए थर्ड ईयर था उसका, पढ़ाई बीए थर्ड ईयर कर रही थी। और भी किसी तरह का कोई मामला तो नहीं है जिसमें प्रेम प्रसंग वगैरह की बात है? वो हमारी लड़की जो है घर पे सिलाई का काम करती थी और शंभुनाथ आचार्य की लड़की वो उसके पास बराबर 6 महीना से आती थी और उसका धीरे धीरे ब्रेन वॉश करती थी। हाँ, और लड़की कैसे ब्रेन वॉश कर सकती है, इसको जरा साफ कर दीजिए। ऐसा है साहब, अगर जो उसको जो है शंभुनाथ आचार्य को हमसे दुश्मनी साधना है तो कोई भी हथकंडा अपना लेगा, कोई भी करेगा, तो दूसरा चांस तो देखा नहीं, दुकान नहीं चली तो सोचा कि इसका इज्जत पे हाथ डाल दूं। अगर जो मान लीजिए हमारी लड़की उसके घर गई, हम मान रहे हैं कि हमारी लड़की उसके घर गई, उसको हमको बताना चाहिए कि हाँ फलाना तुम्हारी लड़की हमारे घर आई है, ऐसा ऐसा बोल रही है, कि वो क्या करेगा, गाड़ी में बैठा के कहीं भेज देगा? उसको हमको सूचना देना चाहिए। मैं गया होता अपनी लड़की से पूछता कि तुम क्यों आई हो,
हम न पूछ सकते हैं, अब आप बुला सकते हैं अपने घर, हमको सूचना नहीं दिया और छुपके से गाड़ी में बैठा और कहीं भेज दिया उसको। इसे जो है आप क्या मान रहे हैं, किस तरह का मामला मान रहे हैं? ये जो है अपहरण की मामला है, अपहरण किया है। तो अपहरण में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं आपके अनुसार? वो पूरा घर के लोग, सबको मालूम है, पूरा घर के लोग जानते हैं, इसलिए कि अगर जो लड़की है उसके घर गई तो शटर बंद कर दिया, अपना दुकान बंद कर दिया, आप घर में घुसा कर घर का दरवाजा भी बंद कर दिया। आपने तारीख दिया है उसमें तो नाम दिया होगा ना? जी जी, हाँ, शंभुनाथ आचार्य था और पंकज यादव है एक, उसका साढ़ू का लड़का है। ऐसे तो दो चार लड़के इसके यहाँ बराबर गुंडे टाइप के रहते हैं, किसी को मारना पीटना गाली देना लोगों का काम है, वो जिसको मारवाता चाहता है मरवाता है, जिसको चाहता है गाली सुनवा देता है। ये पंकज यादव से कोई मामला आपकी लड़की का सामने आ रहा है? नहीं बता पाएंगे, जब वो दोनों सामने आएंगे उसके बाद ना पता चलेगा कि इन लोगों के साथ कोई मतलब ऐसा मामला था कि नहीं था। मान लीजिए ले जाकर उसका कहीं वो कत्ल कर दे, चाहे दो महीने के बाद लाकर छोड़ दे, तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? हाँ, अगर जो उसको शादी करना है, प्रेम प्रसंग है, तो सबके सर सामने से शादी कर ले, क्या दिक्कत है? कोर्ट से शादी कर ले, कोर्ट का रसीद दिखा दे कि मैंने शादी कर लिया, मैं छोड़ दूंगा, क्या दिक्कत है? अपना रिश्ता ना तो तोड़ दूंगा उससे, वो जाए उसके साथ में सुखी सुखी अगर जो रहती है तो रहे। इतने दिनों के बीच में, छह महीना आप बता रहे हैं, कभी आपको इस बात का आभास नहीं हो पाया कि हमारी लड़की जो है बालिग हो गई है, कहीं किसी तरह की गलत संगत में पड़कर कोई गलत कदम ना उठा ले? सर ऐसा है, बड़ी बेटी का शादी मैंने तय किया है मार्च में, और इसका भी खोज रहा था मैं, ये सोच रहा था कि दोनों को एक ही बार शादी कर दूं, एक ही दिन। मोबाइल वगैरह आपकी बेटी के पास? नहीं, मोबाइल तो मैं बेटी के पास नहीं था, लेकिन जिस दिन गई यहाँ से उस दिन उसके रूम में हम खोजे, उसके बक्से में खोजे तो मोबाइल हमको मिला जो पुलिस को दिए हैं थाने पर। लेकिन वो खरीद के मैं नहीं दिया हूँ, वो पुलिस वाले पता करेंगे किसके नाम से है, किसके नाम से सिम है, कहाँ से वो मोबाइल आई है। जब वो पुलिस वाले उसको चेक करेंगे तब तो मालूम पड़ेगा। तो पुलिस वाले तो चुप, मुंह में चुप लगा कर बैठी है पुलिस, इस पे कुछ कार्रवाई कर ही नहीं रही है। उभाव थाने पर आपने तहरीर दिया, मुकदमा लिखा गया, आप उभाव पुलिस के कार्य शैली से संतुष्ट नहीं थे, तभी तो जो है आपने लखनऊ का रुख किया? जी, हम थोड़ा भी संतुष्ट नहीं, इसलिए कि मोबाइल भी मैंने वहां दे दिया और रिपोर्ट भी दे दिया, अब तक पुलिस कुछ इसके विषय में कुछ किया भी नहीं है। वो पुलिस को तत्काल यहाँ आना चाहिए, वो शंभुनाथ यादव को पकड़ना चाहिए, उसको ले जाकर थाने में अपने हिसाब से पूछताछ करनी चाहिए, उस मोबाइल को सर्वलांस में लगाना चाहिए, उसको मालूम करना चाहिए कौन इससे बात करता था, कितने दिन से बात हो रहा है, किसके नाम से मोबाइल है, किसके नाम से सिम है। दूसरी बात, वो लड़का भी हमारे घर नहीं आता था जो पंकज नाम का है, वो उसकी बहन, वो उसकी मौसियावरी बहन जो आचार्य की लड़की है, वही भी आती जाती है, दूसरा कोई आता जाता नहीं है। मोहल्ले के लोग भी अगर जो कोई नहीं कह सकता है कि हमारी लड़की घर से भी बाहर निकलती थी। चूंकि आप उप मुख्यमंत्री से मिले हैं, कितनी जो है न्याय की आपको उम्मीदें लग रही हैं कि आपके साथ न्याय हो पाएगा? हमको तो उम्मीद सही है कि न्याय हमको मिलेगा, हाँ, इसलिए कि योगी जी पर, मोदी जी पर हमको खुलकर विश्वास है, बहुत ज्यादा से ज्यादा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। हम तो गए थे योगी जी से मुलाकात करने के लिए, अपना मतलब व्यथा सुनाने के लिए, लेकिन चूंकि उनसे भेंट तो नहीं हो पाया, तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से बात हुआ, हमने रिपोर्ट उनको दिखाया, रिपोर्ट दिया, वो बोले कि ठीक है, इस पे देख रहा हूँ, इस पे कार्रवाई होगी। आपका तो आप देख रहे थे, यह जो है लड़की के पिता हैं, जो लड़की का कि अपहरण की बात इन्होंने बताई है, हालांकि जो है मीडिया में खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि प्रेम प्रसंग का जो मामला हो सकता है, लेकिन उस पर भी इनको, इनके द्वारा जो है साफ तौर से बात कर दी गई है कि अगर वह जो है हमें हमारे नॉलेज में होता, अगर दोनों बालिग हैं, अगर शादी करना चाहते हैं तो पहले कोर्ट का जो है सर्टिफिकेट दिखाएं, या अगर वो हमसे मिले होते तो जो मैं इस पर जो विचार कर सकता था। हालांकि जो है समाज सेवी, जो सपा नेता का जो है नाम जो है पूरी तरह से उछाला जाता है, एक सब नेता जो होता है वह जो समाज सेवी होता है, उसका जो है काम होता है समाज की जो सेवा करना, समाज की रक्षा करना, बहु बेटियों की रक्षा करना, अगर उस पर आरोप लगे हैं तो यह बहुत ही गंभीर है और उसका जो है उन्हें जो है डट कर सामना करना चाहिए कि हाँ इसमें जो क्या सच्चाई है क्या नहीं। अब देखना होगा कि जो मुख्यमंत्री तक यह जो पहुंच चुके हैं तो इसमें जो है बलिया पुलिस की क्या कार्यशैली होती है, क्या कार्रवाई होती है और इनकी लड़की जो है कितने दिनों में जो है अब बरामद हो पाती है। लड़की के आने के बाद ही पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। भारत मीडिया के लोग किसी के साथ रबी रहमत की रिपोर्ट, बने रहे भारत मीडिया के साथ।